देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का रविवार को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 86 साल के थे और उन्होंने ही चुनावों में पहचान पत्र की शुरुआत करवाई थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। चुनाव नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए मशहूर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन अब हमारे बीच नहीं है। चेन्नई में रविवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वो 86 साल के थे और भारतीय चुनावी राजनीति की दिशा बदलने में उनका अहम योगदान है। चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने ही चुनावों में पहचान पत्र की शुरुआत करवाई थी। साथ ही चुनावों में जारी धनबल, बाहुबल और मंत्री पद के दुरुपयोग पर ऐसी नकेल कसी कि तब एक मुहावरा बना, एक तरफ नेशन, दूसरी तरफ शेषन। टीएन सेशन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। वो तमिलनाडु कैडर के 1955 बैच के आईएएस अफसर थे और 1990 से 1996 के बीच देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सरकारी सेवाओं के लिए उनको साल 1996 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। साल 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।